हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बोन। सो डेवलपमेंट ऑफ बोन यानी बोन कैसे डेवलप होती है, कैसे फॉर्म होती है। सो डेवलपमेंट ऑफ बोन या फिर फॉर्मेशन ऑफ बोन का अनदर टर्म, अगर हमने एक स्पेसिफिक टर्म देखे तो वो क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस या फिर ओसिफिकेशन। सो ऑस्टियोजेनेसिस या फिर ओसिफिकेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बोन या फिर फॉर्मेशन ऑफ बोन। सो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड, अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड देखें या फिर हम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन को इस तरह से भी कह सकते हैं, ऑसिफाई, कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड ऑसिफिकेशन के लिए क्या है, ऑसिफाई। सो बोन क्या है, ओशियस टिश्यू है। ओशियस टिश्यू का क्या मतलब है कि बोन शुरू से ही बोन नहीं होती, बोन ओसिफाई होती है। ओसिफाई कैसे होती है कि स्टार्टिंग में, इनिशियली जब मदर कंसीव करती है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, सो स्टार्टिंग में क्या होता है, बोन एक कार्टिलेज टिश्यू से बनती है या फिर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। सो बोन कार्टिलेज टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू ओसिफाई होते हैं और वो बोन देन डेवलप होती है, बोन देन फॉर्म होती है। सो बोन इसलिए क्या है, एक ओशियस टिश्यू है, दैट बोन इज ओसिफाइड। बोन क्या होती है, ओसिफाई होती है, एंड ओसिफिकेशन होती है, दैट इज बोन फॉर्मेशन होती है। सो अगर हम ओएस वर्ड कहीं पर देखते हैं, सो ओएस का क्या मतलब है, बोन। सो ओएस इज अ सिनोनिमस ऑफ बोन, यानी कि अगर हम कहीं भी ओशियस देखते हैं, ओसिफाई देखते हैं, ओसिफिकेशन देखते हैं, तो वो किसको शो कर रहा है, बोन को। सो ओएस वर्ड कहीं भी अगर आता है तो वो बोन को शो करता है। नाउ अगर हम ऑस्टियोजेनेसिस और ओसिफिकेशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। कन्वर्ट किसको करना है, हाइलिंग कार्टिलेज या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनटू बोन। सो बोन किससे डेवलप होती है या फिर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिप्लेस होकर बोन में कन्वर्ट होता है, सो वो है हाइलिंग कार्टिलेज या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बोन में ड्यूरिंग लाइफ। सो ये कब होता है, जब बेबी मदर की वॉम में होता है, और एम्ब्रियो की कितनी लाइफ होती है, 8th week उसकी लाइफ है। सो 8th week ऑफ जेस्टेशन से स्पेसिफिक या फिर एक्चुअल ऑसिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड ये कब तक जाता है, एडल्टहुड तक या फिर 21st year ऑफ लाइफ तक ऑसिफिकेशन कंटिन्यू रहता है। सो बोन कैसे बनती है, जो हाइलिंग कार्टिलेज है या फिर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये रिप्लेस होते हैं, ये ऑसिफाई होते हैं, एंड देन किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन में, या फिर डेवलप हो जाते हैं बोन में। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। सो कौन कौन से बोन सेल्स हैं जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं, बोन फॉर्मेशन सेल या फिर बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो कि बोन को बनाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। देन ओस्टियोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट अपने मैट्रिक्स में ट्रैप हो जाते हैं एंड ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर हो जाते हैं। सो मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट को क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। अब ओस्टियोसाइट्स का क्या काम होता है, ये बोन को मेंटेन करते हैं और मॉनिटर करते हैं। देन है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, बोन ब्रेकिंग सेल। सो ये बोन को ब्रेक करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल, या फिर बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। सो बोन को ब्रेक करना क्यों जरूरी है, बोन की जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए। सो बोन, जब बोन ग्रो होती है, सो उसकी शेप को मेंटेन करना भी जरूरी है, वो ओस्टियोक्लास्ट करते हैं। एंड रिमूव एक्सेस कैलस। एक्सेस कैलस यानी कि कई बार जो बोन है वो एक्सेस ग्रो हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फ्रैक्चर। नाउ टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन। सो ऑसिफिकेशन के टाइप्स हैं, देर आर टू टाइप्स हैं ऑसिफिकेशन के। किसके बेस पर, कि वो हाइलिंग कार्टिलेज से बोन डेवलप हुई है या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन से डेवलप हुई है। सो उसके बेसिस पर देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन। फर्स्ट है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का क्या मतलब है, कि जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है वो रिप्लेस हुई है किससे, बोन से। सो बोन डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग फाइब्रस मेम्ब्रेन। सो इनिशियली बर्थ से पहले ही वॉर्म में, जब
एम्ब्रियो था तो उस टाइम पर फाइब्रस मेम्ब्रेन किस में रिप्लेस हो गई थी? बोन में। सो इसका एग्जांपल है फ्लैट बोन्स। जो भी हमारी बॉडी में फ्लैट बोन्स हैं या फिर कुछ इरेगुलर बोन्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू। सेकेंड टाइप है एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन या फिर इंट्रा कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन। सो इंट्रा कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन या फिर एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन का क्या मतलब है कि हाइलिंग कार्टिलेज, जो हाइलिंग कार्टिलेज है वो रिप्लेस हुआ है बोन से। सो बोन डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग हाइलिंग कार्टिलेज। सो इसके एग्जांपल क्या है? जो भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स एंड कुछ इरेगुलर बोन्स, वो कैसे डेवलप हुई है? इंट्रा कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन से। एंड जो हमारा मोस्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम है वो किससे डेवलप हुआ है? इंट्रा कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन से। सो फर्स्ट टाइप है ऑसिफिकेशन का इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या है कि मेम्ब्रेन किस में ट्रांसफॉर्म होगी? बोन में। सो बोन फॉर्मेशन विद इन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। सो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? बोन में। सो ऑसिफिकेशन कैसे होती है? बोन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है कि बोन एक मॉडल या फिर एक फ्रेमवर्क को यूज करता है। सो यहाँ पर मॉडल या फ्रेमवर्क क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन एक मॉडल या फ्रेमवर्क की तरह है जिसके ऊपर बोन की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पर ये मॉडल है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन जिसके ऊपर बोन की फॉर्मेशन होनी है। एंड ये वाला जो मॉडल है ये रिप्लेस हो जाएगा किसमें? बोन में। सो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन किस किस बोन्स में होती है? हमारी बॉडी में जो फ्लैट बोन्स हैं उसमें इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। स्पेशली जो फेस की फ्लैट बोन्स हैं या फिर जो हमारी क्रेनियल बोन्स है, स्कल की बोन्स है या फिर जो कॉलर बोन है हमारी, वो किसके थ्रू बनती है? इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू। सो फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आउटर जो सरफेस है उसमें फ्लैट बोन में क्या प्रेजेंट होती है? कॉम्पैक्ट बोन। सो साइड्स में क्या प्रेजेंट है? कॉम्पैक्ट बोन जो कि क्या होती है? हार्ड होती है। एंड सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है? स्पंजी बोन, जिसको क्या कहते हैं? कैंसलस बोन। सो ये एक फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर है जो कि एक सैंडविच की तरह है कि आउटर सर्फेसिस पर क्या प्रेजेंट होती है? कॉम्पैक्ट बोन। एंड सेंटर में कैंसलस बोन होती है जो कि सॉफ्ट और स्पंजी होती है। एंड इसी कैंसलस बोन में रेड बोन मैरो होती है। सो ये मैंने स्टेजेस बनाई हुई है कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कैसे कैसे होती है। सो ये स्टेप वाइज हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, यानी कि जो बेबी है वो वॉर्म में होता है मदर के, सो एम्ब्रियोनिक लाइफ से इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। कब तक चलती है? टिल एडोलेसेंस। सो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बॉक्स दिखाया ये क्या है? कनेक्टिव शीट है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। इस शीट में क्या होता है? मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं। मेसेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सो मेसेनकाइमल सेल्स सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं, सेंटर में गैदर हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं। एंड देन ये डिफरेंशिएट होते हैं, सबसे पहले बनाते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। देन ऑस्टियोजेनिक सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट में। सो ये जो रेड वाले हैं सेल्स सेंटर में जो क्लस्टर हुए हुए हैं ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। सो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल सेंटर में क्या बनाती है? ऑस्टियो ऑसिफिकेशन सेंटर। सो ऑस्टियोब्लास्ट सेल सेंटर में इकट्ठे होकर ऑसिफिकेशन सेंटर बनाते हैं, जहां पर ऑसिफिकेशन स्टार्ट होनी है, बोन की ग्रोथ सेंटर से स्टार्ट होनी है। सो ये ऑसिफिकेशन सेंटर में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड एक सब्सटेंस है जो कि बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सो ऑस्टियोइड एक सब्सटेंस है जिसमें कैल्सिफिकेशन होती है, मिनरल का एडिशन होता है एंड देन बोन को हार्डनेस प्रोवाइड होती है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होता है सेंटर में इन कनेक्टिव टिश्यू, सेंट्रली लोकेटेड मेसेनकाइमल सेल्स। सो मेसेनकाइमल सेल्स सेंटर में क्लस्टर हो जाते हैं एंड डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट में। सो फर्स्ट स्टेज में सिंपली यही होता है कि जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं एंड ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ऑस्टियोइड, एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है एंड सेंटर में क्या ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होता है इस स्टेज में। देन सेकेंड में क्या होता है, अब ये
जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, सो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल इस स्टेज में सेंटर में प्रेजेंट थे एंड ऑस्टियोइड सिक्रीट कर रहे थे। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो सेंटर में ऑस्टियोइड सिक्रीट कर रहे थे, इस सब्सटेंस में ऑस्टियोब्लास्ट फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जब ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड में ट्रैप हो जाते हैं, देन ये वही मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, मैच्योर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। सो सेंटर में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है एंड जो साइड में, जो सरफेस में मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट थे, वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो सरफेस में प्रेजेंट है, अभी वो ऑस्टियोइड में ट्रैप नहीं हुए, जो सिर्फ सेंटर में ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट थे, वो यहाँ पर ट्रैप होके ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। सो सिक्रीट ऑस्टियोइड ट्रैप्स ऑस्टियोब्लास्ट। सो जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो ट्रैप हो जाते हैं किसमें, ऑस्टियोइड में, एंड देन बिकम ऑस्टियोसाइट्स। सो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट्स, एंड सरफेस में यानी साइड्स में क्या प्रेजेंट है, ऑस्टियोब्लास्ट। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है, विच इज अ फाइनल स्टेज, जो ऑस्टियोसाइट सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या बनाते हैं, स्पंजी बोन। स्पंजी बोन या फिर ट्रैबिकुले, इसको कहते हैं ट्रैबिकुलर बोन। सो स्पंजी बोन में क्या होता है, कुछ मेसेनकाइमल सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हुए थे, कुछ कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, कैपिलरीज की फॉर्मेशन करते हैं, एंड सेंटर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्लस्टर हो जाती हैं। बहुत सारी स्पंजी बोन जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, या फिर जिसको बोलते हैं कैंसिलस बोन जो कि सेंटर में प्रेजेंट थी, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्लस्टर हो जाती हैं। सो सेंटर में क्या बनती है, रेड बोन मैरो। एंड साइड्स में जो ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर जो साइड्स में मेसेनकाइमल सेल्स थे, वो क्या बनाते हैं, फाइब्रस पेरिओस्टियम। सो फाइब्रस पेरिओस्टियम जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या बनाती है, कॉम्पैक्ट बोन, जो साइड में कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट थी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रैबिकुलर मैट्रिक्स एंड पेरिओस्टियम फॉर्म। सो ट्रैबिकुलर मैट्रिक्स क्या है, सेंटर वाला, एंड पेरिओस्टियम कहाँ फॉर्म हुई है, साइड्स में। कॉम्पैक्ट बोन डेवलप सुपरफिशियली टू स्पंजी बोन, सो स्पंजी बोन सेंटर में है, कॉम्पैक्ट बोन सुपरफिशियली डेवलप हुई है, एंड क्राउडेड ब्लड वेसल कंडेंस इनटू रेड बोन मैरो। सो जो सेंटर में रेड मैरो है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्राउड हो गई हैं। नाउ जो सेकेंड वे है ऑसिफिकेशन का, वो है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन या फिर इंट्रा कार्टिलेजीनियस ऑसिफिकेशन। सो इंट्रा कार्टिलेजीनियस ऑसिफिकेशन कैसे होती है, बोन डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग हाइलिंग कार्टिलेज। सो जो हाइलिंग कार्टिलेज है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन से। सो यहाँ पर जो मॉडल है वो क्या होगा, हाइलिंग कार्टिलेज, या फिर जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, हाइलिंग कार्टिलेज, जो किस में रिप्लेस होगा, बोन में। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग बोन्स है हमारी, जो मोस्ट ऑफ द स्केलेटन है, वो कैसे बनता है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से। एंड बोन्स एट द बेस ऑफ स्कल, जो हमारे स्कल के बेस पर जो बोन्स है, वो भी इंट्रा कार्टिलेजीनियस ऑसिफिकेशन से फॉर्म होती है। सो सबसे पहले जब जो एम्ब्रियो 8th वीक ऑफ लाइफ में होता है, दैट इज 8th वीक ऑफ जेस्टेशन में, तब जो कार्टिलेज मॉडल है, सो जो सबसे पहले कार्टिलेज मॉडल होता है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, एंड कार्टिलेज कौन से सेल्स बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। सो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स सबसे पहले कार्टिलेज मॉडल को बनाते हैं। देन क्या होता है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, ये सेंटर में सबसे पहले डेवलप होते हैं एंड देन मैच्योर होते हैं, एंड वहीं पर जो सेंटर में इनकी डेथ हो जाती है। सो देन ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो कहाँ पर चले जाते हैं, एंड्स पे। सो जो सेंटर होता है बोन का, वो क्या कहलाता है, डाइफाइसिस, एंड जो एंड्स होते हैं बोन के, उनको क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। सो जो कार्टिलेज है, यानी कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि कार्टिलेज को बना रही हैं, वो एंड्स पर चले जाते हैं। एंड सेंटर में क्या होता है, सेंटर में जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो आर्टरीज हैं, वो इन्वेड करती हैं। सो जब आर्टरीज सेंटर में इन्वेड करती हैं कार्टिलेज के, तो वहाँ पर उसके साथ कौन से सेल्स आ जाते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, जो कि फर्दर किस में डिवाइड, किस में मैच्योर होती हैं, या किस में डेवलप होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में। सो ऑस्टियोजेनिक सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। देन ऑस्टियोब्लास्ट सेंटर में, जो सेंटर है बोन की, यानी कि जो डायफाइसिस है, वहाँ पर क्या करता है, डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, दैट इज जो सेंटर है बोन की, यानी कि जो डायफाइसिस है, वहाँ पर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होता है। सो ऑस्टियोब्लास्ट इन्वेड हो जाते हैं एंड प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप हो जाता है। ये कौन सी लाइफ में होता है, सेकेंड और थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ। सो जब फीटस, यानी कि जो एम्ब्रियो है, जब बेबी मदर के वॉर्म में होता है, तो सेकेंड और थर्ड मंथ पर ये स्टेज आती है, यानी कि जब प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होता है। देन क्या होता है, जो सेंटर है बोन का, यानी कि जो डायफाइसिस है बोन
बोन की, वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करते हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या होते हैं जो बोन को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड सेंटर में क्या बनाते हैं, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्पंजी बोन इन डायफाइसिस इज ब्रॉक डाउन बाय ऑस्टियोक्लास्ट, मेडुलरी कैविटी फॉर्म्ड। सो यहाँ पर मेडुलरी कैविटी सेंटर में फॉर्म हो जाती है, जो सेंटर में जो स्पंजी बोन थी वो ब्रेक डाउन हो जाती है बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड यहाँ पर ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती हैं। देन क्या होता है, आफ्टर बर्थ जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो डेवलप होता है एंड्स पे, बोन की एंड्स पे यानी कि बोन के एपिफाइसिस पे। सो जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो कहाँ पर डेवलप हुआ था, सेंटर में बोन की यानी कि डायफाइसिस में, एंड जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो कहाँ पर डेवलप होगा, एंड्स ऑफ द बोन में यानी एपिफाइसिस में। सो आफ्टर बर्थ, बर्थ के सून आफ्टर बर्थ क्या होता है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर्स इन एपिफाइसिस, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड्स में यानी एपिफाइसिस जो है बोन की वहाँ अपीयर होते हैं। एक और बात की जो कार्टिलेज है वो क्या रह, वो भी एंड्स पर ही रह जाता है, एपिफाइसिस पर ही रह जाता है। सो जो कार्टिलेज एंड पर रह जाता है वो क्या बनाता है, ये वाली प्लेट जिसको क्या कहते हैं, एपिफाइजियल प्लेट। सो एपिफाइजियल प्लेट को ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से ही बनी होती है। जब तक ये प्लेट प्रेजेंट होती है, एपिफाइजियल प्लेट, तब तक बोन की ग्रोथ होती रहती है। अगर ये जो एपिफाइजियल प्लेट है जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बनी है, जब ये पूरी रिप्लेस हो जाएगी बोन से, यानी कि पूरी कैल्सीफाइड हो जाएगी, ओसीफाइड हो जाएगी, तब बोन की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। सो सेंटर में जो लॉन्ग बोन की वो क्या रह जाता है, कॉम्पैक्ट बोन और मेडुलरी कैविटी, एंड एंड्स में क्या रहती है, स्पंजी बोन। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, आल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।